तो रिसेंटली अब अभी नारुतो का बर्थडे गया है और चलो इस खुशी में हम बात करते हैं 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नारुतो उज़ुमाकी। नंबर 10, क्या तुम्हें पता है नारुतो का बर्थडे 10 अक्टूबर को है? हाँ, 2 सेकंड पहले ही कहा, लेकिन उस दिन दो और नारुतो कैरेक्टर्स का बर्थडे है, मेनमा उज़ुमाकी जो कि अल्टरनेट यूनिवर्स का नारुतो है और मेनमा नामेकाजी जो कि टेंटेन के सुकोमी वर्ल्ड का नारुतो है। इसी वजह से इन सभी का बर्थडे सेम डेट पे है। नंबर 9, नारुतो का जो नाम है वो एक फूड नारुतो माखी के ऊपर बेस्ड है जिसको कि रामेन के ऊपर टॉपिंग के तौर पर यूज किया जाता है, जिसका मिडिल में एक पिंक या रेड कलर का स्पाइरल बनाया हुआ देखने को मिलता है और स्पाइरल से वर्लपूल को रिप्रेजेंट करता है। और कोइंसिडेंटली रामेन नारुतो का फेवरेट फूड है और नारुतो के साइड में हमें एक स्पाइरल सिंबल देखने को मिलता है, मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड है। नंबर 8, नारुतो हैज मल्टीपल वॉइस एक्टर। पहले तो जापानीज में उसका वॉइस दिया है जुनको ताकाउची ने, जिन्होंने की गॉन फ्रॉम हंटर हंटर, रेड फ्रॉम पोकेमॉन ओरिजिन्स और अकामारू फ्रॉम अकामारू, हाँ इसको भी इन्होंने ही वॉइस दिया है। के स्पेसिफिकली नारुतो के शिक्षक जुत्सु को एमा कोगुरो ने वॉइस दिया है। नंबर 7, नारुतो ने एक बार खुद को ऑरेंज होकागे रेफर किया था, तब कई फैंस ने सोचा ये उसके ऑरेंज क्लॉथेस के लिए है, लेकिन असल में ये रेफर करता है कुसने के रेड हेयर और मिनाटो के ब्लॉन्ड हेयर के कॉम्बिनेशन को। जब ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन होता है तो ऑरेंज कलर क्रिएट होता है, साथ ही मिनाटो लिप का येलो फ्लास्क, कुसना लिप की रेड हेड खबरन है और इसलिए नारुतो खुद को ऑरेंज होकर के रेफर करता है। क्या तुम्हें पता है नारुतो ओरिजिनली एक सेफ होने वाला था? What? किसी मोटो स्टार्टिंग में नारुतो एक पावरलेस कैरेक्टर बनाना चाहते थे जो कि किसी रीजन के चलते एक जायंट बॉक्स में बदल सकता है और वो एक सेफ बनना चाहता है और उसके डार्क कोना में डिस्ट्रक्शन की थी कुछ भी, लेकिन थैंक गॉड कि किसी मोटो ने ये प्लान को कैंसिल कर दिया, वरना आज नारुतो का क्या ही हाल होता। शोनेन जंप के एक इशू में किसी मोटो ने रिवील करके बताया उनका इनिशियल प्लान था नारुतो को भी अपने पेरेंट से मिलता ही नहीं है, लेकिन जब वो खुद पेरेंट बने उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ और वो नारुतो को अपने पेरेंट से मिलवाए। तुमने ओजी नारुतो में नारुतो के हेड पे गॉगल्स को दिखाई होगा, हालांकि ये ज्यादा देर तक टिका नहीं क्योंकि नारुतो अपने हेडबैंड से इसे रिप्लेस कर देता है, लेकिन इसके पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन भी है। असल में किसी मोटो को नारुतो को गॉगल्स के साथ ड्रॉ करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसे हेडबैंड से रिप्लेस कर दिया। नंबर 3, जापान में एक पॉपुलर थ्योरी है कि तुम्हारा ब्लड टाइप तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में दर्शाता है और नारुतो डाटा बुक के हिसाब से नारुतो का ब्लड टाइप है बी, जो कि फ्रेंडली, क्रिएटिव और गोल के लिए पैशनेट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, सीरीज में हम सबको पता है कि नारुतो के साथ हिनाता से और साकुरा के साथ ही सास्के से हुई है, लेकिन कई फैंस आज भी चाहते है कि नारुतो को साकुरा से शादी करनी चाहिए थी। कौन है ये लोग? वेल, उन्हीं फैंस में से कोई एक किसी मोटो के बहुत करीब है। यस, उनकी वाइफ जो कि खुद शौक हो गई थी नारुतो तो लास्ट मूवी में नारुतो को हिनाता के साथ देखते हुए, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी पर्सनालिटी साकुरा से मैच करती है और किसी मोटो के नारुतो से। तो अब हिनाता। नंबर 1, जब नारुतो सीरीज एंड होने वाला था तब वन पीस का चैप्टर नंबर 766 में हमें नारुतो सीरीज का ऑनर में कुछ ये देखने को मिलता है, जहाँ लूफी रामेन खा रहा है जो कि नारुतो का फेवरेट फूड है और नामी के ड्रेस पे कोनागाकुरे का सिंबल बना हुआ है जिसके पीछे कैरेक्टर छुपा हुआ है जिसका क्लॉथेस और शूज रिजेमल करता है हमारे नारुतो उज़ुमाकी से। तो दोस्तों ये वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, लेकिन तुम्हें कमेंट करके बताना है तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, अटैक ऑन टाइटन फैक्ट्स, स्पाई फैमिली फैक्ट्स, टोक्यो रेवेंजर फैक्ट्स, बस एक कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो उस पर बनेगा।